अगली अपील है द सुप्रीम कोर्ट रिवर्सल मीन रिवर्सल टर्म बैक ऑफ इट्स प्रीवियस रूलिंग ऑन द इश्यू ऑफ प्रोविंशियल राइट डैश इज रिकॉग्निशन फॉर डैश इज दैट क्लियर. अब इसमें एक बात जहन में रखिएगा कि जो क्वेश्चन आपको बता रहा है कि क्या इसका आंसर होना चाहिए. मैं इसको दोबारा पढ़ता हूं. द सुप्रीम कोर्ट रिवर्सल ऑफ इट्स प्रीवियस रूलिंग ऑन द इश्यू ऑफ प्रोविंशियल राइट दैट इज रिपीटेशन फॉर डैश. तो ये बड़ा सिंपल है. अगर आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखें यानी द सुप्रीम कोर्ट रिवर्सल रिवर्सल इज अवर इंडिकेटर टुवर्ड अवर आंसर. ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन है. ऑप्शन ए सस्टेन और ऑप्शन इसके साथ अगला इनकंसिस्टेंसी जो जिसमें कंटिन्यूटी ना हो, कॉम्प्रोमाइज इस चीज को एक्सेप्ट कर देना, कंसिस्टेंसी और ऑप्शन सी मेंटेन और फेल या फैलेसी, ऑप्शन डी स्क्वायर्ड फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी जो जो इलास्टिसिटी जिसमें हो जो इजीली शेप चेंज हो जाए. तो अगर हम इसको रिवर्सल को देखें तो हमारा आंसर बनेगा डी कॉम्प्रोमाइज यानी द सुप्रीम कोर्ट रिवर्सल ऑफ इट्स प्रीवियस रूलिंग ऑन द इश्यू ऑफ प्रोविंशियल राइट्स कॉम्प्रोमाइज रिपीटेशन फॉर कंसिस्टेंसी. तो इस आंसर इज बी